चीन के शियामेन शहर में एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन जांच में यह खुलासा हुआ कि दोनों के पिता अलग अलग हैं। जब बच्चों के बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए पैटर्निटी टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट देख पिता के होश उड़ गए। अपने आप में ये बेहद अनोखा मामला है। मामला चीन के शियामेन सिटी का है। डीएनए टेस्ट में दोनों का डीएनए अलग अलग आया, मतलब दोनों बच्चे अलग अलग पिता के थे। काफ़ी सवाल जवाब के बाद आखिरकार महिला ने माना कि उसने अपने पति को धोखा दिया था। लोकल न्यूज़ के मुताबिक मामला तब सामने आया जब कपल को अपने जुड़वा बच्चों के नाम का रजिस्ट्रेशन लोकल पुलिस स्टेशन में करवाना था। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए कपल को सबूत के तौर पर पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट देनी थी, जिससे ये साबित हो सके कि बच्चे उनके अपने ही हैं। लेकिन टेस्ट रिपोर्ट देखकर दोनों हैरान रह गए। रिपोर्ट के अनुसार जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा उनका नहीं था। लोकल न्यूज़ के मुताबिक पिता शियालोंग शुरू से अपने एक बेटे को लेकर यही कहा था कि आखिर उसकी शक्ल किस पर गई है, पर जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो शियालोंग नतीजा देख हैरान रह गया। मामले की सच्चाई पता करने के लिए जियामेन के फ्यूजियान झेकताई न्यायिक प्रमाणीकरण केंद्र में दोबारा पैटर्निटी टेस्ट कराया गया। कपल का पैटर्निटी टेस्ट करने के बाद फ्यूजियान झेकताई फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन सेंटर के डायरेक्टर के मुताबिक दोनों में से एक बेटे का डीएनए पिता शियालोंग से मैच नहीं हुआ। डायरेक्टर झांग ने बताया कि शियालोंग रिपोर्ट देखते ही गुस्से से भड़क गया और अपनी पत्नी से झगड़ने लगा। पहले वाइफ ने किसी भी अफेयर की बात से इनकार किया और रिपोर्ट को झूठा बताती रही। जब शियालोंग ने इस बात में पत्नी से पूछा कि तो पहले उसने अपने पति पर रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, लेकिन कुछ देर बाद सच आ गया। उसने एक अनजान शख्स के साथ एक रात गुजारने की बात मानी। दो बच्चों की माँ ने कबूल किया कि उसने अपने पति के साथ बेवफाई की है। महिला ने बताया कि पति के अलावा उसने एक अन्य शख्स से भी संबंध बनाए थे। इस खुलासे के बाद शियालोंग का कहना है कि वह अपने बच्चे को तो खुशी से पालने के लिए तैयार है, लेकिन किसी दूसरे के बच्चे को वह अपना नाम कभी नहीं देगा। चीन में पहले कभी ऐसा मामला सामने नहीं आया। 2014 में यूवी सिटी के एक अमीर बिजनेसमैन के जुड़वा बच्चों का मामला भी ऐसा ही हुआ था। जुड़वा बच्चों का दो अलग अलग पिता से जन्म लेना बहुत ही रेयर केस है। एक ही समय में दो अलग अलग शख्स से प्रेग्नेंट होने वाले इस मामले में डॉक्टर जेंग का कहना है कि ये बहुत स्पेशल केस है। इस महिला ने पति से गर्भवती होने के कुछ घंटों बाद ही दूसरे शख्स से संबंध बनाए लिए थे। एक्सपर्ट के मुताबिक यह स्थिति तब बनती है जब महिला ने एक ही दिन में दो अलग अलग व्यक्तियों से संबंध बनाए हों। इस वजह से एक ही साइकिल में दो अलग अलग पुरुषों के एग्स महिला के गर्भ में एक साथ फर्टिलाइज हुए हों, ये बहुत ही असामान्य और दुर्लभ मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक पति पत्नी ने खुद ही मामले को सुलझा लिया है।